कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कुकिंग एंड मी की एक और मजेदार सी कुकिंग एपिसोड में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही मजेदार और यमी सी हमारे ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट जैसा क्रीम केक घर पे बनाना कितना इजी होता है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसके ऊपर मैंने रख दिया है स्ट्रेनर, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप जितना मैदा और 1/2 कप जितना कोको पाउडर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटा टेबलस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा टेबलस्पून जितना बेकिंग सोडा। और फिर इन सबको हम इस स्ट्रेनर में से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और इन लम्स को हम हटा लेंगे। तो अब हमें ये स्ट्रेन किए हुए मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से मिला लेने हैं। तो अब हमारे ये ड्राई मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमें ये लिक्विड मिक्सचर को रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है जिसमें मैंने लगभग 2 अंडे ऐड कर दिए हैं, और फिर इन सबको हमें बिल्कुल अच्छे से इस ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेने हैं। दोस्तों इसको हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक ना ये बिल्कुल अच्छे से ऐसे व्हाइट और फ्लफी हो जाए। नेक्स्ट इसमें मैंने लगभग 1 छोटा टेबलस्पून जितना वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितना पाउडर शुगर और लगभग 1 कप जितना व्हाइट ऑयल, और फिर इन सबको हमें दोबारा बिल्कुल अच्छे से इस ब्लेंडर से मिला लेना है। दोस्तों आप चाहे तो विस्कर से भी इसे मिला सकते हैं। तो ये लीजिए अब हमारे ये मिक्सचर बिल्कुल फ्लफी हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे ये पाउडर वाले मिक्सचर को ऐड करेंगे। एक ही साथ में पूरा मिक्सचर ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और फिर इसको मिलाकर इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी करेंगे। दोस्तों अगर आपके मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें एक ही बार में ज़्यादा दूध ना डालें। तो ये लीजिए अब हमारे ये बैटर बनके बिल्कुल रेडी है, और इस बैटर की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है जिसके चारों ओर मैंने व्हाइट ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है, और फिर इसके चारों ओर मैंने थोड़े से मैदा डालकर डस्ट कर लिया है। आप दोस्तों इसके बदले बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस केक के बैटर को बिल्कुल ध्यान से हम इस केक टिन में डाल देंगे, और फिर अपने हाथों से इसे थोड़ा सा टैप करके इसे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए केक को बेक करने के लिए हम इसे ओवन में डालते हैं। दोस्तों मैंने इसे लगभग 180 डिग्री में 5 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ा था, और फिर इसे हम लगभग 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करने के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक चलिए हम इस क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में लगभग 2 कप जितने व्हिप क्रीम ऐड कर दिए है, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप जितना पाउडर शुगर, और नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़े से वेनिला एसेंस 1 छोटा टेबलस्पून जितना, और फिर इन सबको हमें बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करते रहने हैं जब तक ना ये बिल्कुल डबल हो जाए। दोस्तों आप चाहे तो विस्कर से भी इसे व्हिप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगी। तो ये देखिए अब हमारे ये क्रीम बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो जब बोल के बेंड करने के बाद भी क्रीम ना हिले तब आपको समझ जाना है कि ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो गए हैं। तो ये लीजिए अब मैंने इस चॉकलेट केक को ओवन में से निकाल लिया है, और हमारे ये केक बिल्कुल अच्छे से अंदर तक बेक भी हो गए है। दोस्तों ये ऊपर में थोड़ी सी क्रैक आ गई है क्योंकि नीचे मैंने यहाँ पे बटर पेपर नहीं लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम केक को निकाल के एक बार देख लेते हैं। वैसे भी हमें ऊपर के पार्ट को थोड़े से अलग कर देने हैं। तो ये देखिए हमारे ये चॉकलेट केक दोनों साइड से बहुत ही स्पंजी बने हैं। तो अब हम एक बड़ा सा नाइफ लेंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम ऐसे काट कर अलग कर देंगे, और फिर इसके बीच में भी ऐसे हम इसे काट कर 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज हम डबल लेयर वाले केक बनाने वाले हैं। अगर आपको 3 लेयर वाले केक बनाने हैं तो आप यहाँ पे केक को बनाते टाइम 1 और कप मैदा डालकर इसे थोड़ा सा बड़ा बना ले। तो ये देखिए इसके अंदर साइड भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं और दोनों साइड बहुत ही स्पंजी बने हैं। अब बारी है केक को डेकोरेट करने का। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टर्निंग टेबल लिया है जिसके ऊपर मैंने केक के फर्स्ट लेयर को रख दिया है। तो अब इसके ऊपर हमें ऐड करने हैं शुगर सिरप। तो इस शुगर सिरप को बनाने के लिए मैंने नॉर्मल पानी और चीनी लेकर थोड़ा सा इसे बॉइल कर लिया था। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हमें ऐड करने हैं हमारे ये व्हिप क्रीम। तो इसे अब हमें बिल्कुल अच्छे से इसके चारों ओर फैला लेने हैं, और जब हमारी ये क्रीम चारों ओर बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो जाए इसमें हम ये दूसरा वाला लेयर को ऊपर ऐसे रख देंगे, और फिर हम अपने हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर लेंगे, और फिर दोबारा हम इसके ऊपर इस स्पून से शुगर सिरप को ऐड करेंगे, और फिर दोबारा हम क्रीम से इसके चारों ओर इसे बिल्कुल अच्छे से ढक देंगे। दोस्तों इस केक के ऊपर वाले लेयर में ऐसे थोड़े से कट्स करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम शुगर सिरप को इसमें ऐड करेंगे तो इसमें
ये शुगर सिरप नीचे तक बिल्कुल अच्छे से चली जाती है और हमारे ये केक अंदर तक बहुत ही मीठी और जूसी लगती है। तो अब देखिए दोस्तों, इस टर्निंग टेबल को घुमाते हुए मैंने इसके चारों ओर बिल्कुल अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लिया है और इन स्पैचुला की मदद से मैंने इसे परफेक्ट शेप भी दे दिया है। तो ये देखिए, अब हमारी ये व्हाइट क्रीम वाली चॉकलेट केक तो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें ऐड कर दिए है थोड़े से चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो घर में बनाए हुए चॉकलेट सिरप का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, चॉकलेट सिरप के ऐड करने के बाद ये बहुत ही शानदार लग रही है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पाइपिंग बैग, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है हमारी ये व्हिप क्रीम। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है और इसमें मैंने स्टार वाले नोजल को लगा लिया है। अब इसके ऊपर में ऐसे हम घुमाते हुए इसे बिल्कुल अच्छा सा एक डिजाइन बना लेंगे इसके चारों तरफ। तो लग रही है ना हमारी ये केक बहुत ही शानदार। तो इसी तरह हम इसके नीचे भी डिजाइन बना लेंगे इसके चारों ओर। तो ये देखिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड अब ये क्रीम से बिल्कुल अच्छे से डिजाइन बन चुके हैं। अब हमें इसके ऊपर वाले लेयर में डिजाइन बनाने हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने होममेड चॉकलेट्स डालकर इसे डेकोरेट किया है। एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट केक में हमें चेरीज का यूज करना होता है, तो मुझे यहाँ पे चेरीज मिला नहीं, इसीलिए मैंने थोड़े से जेम्स इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। तो लीजिए, अब तैयार है हमारी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। लेकिन इस रेसिपी को अभी आप ना सर्व करें, इसे लगभग एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दें और फिर इसे हम निकाल के सर्व करेंगे। तो लगभग एक घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं इसको काट कर आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ये केक अंदर से बिल्कुल परफेक्टली बने हैं और बहुत ही लजीज और शानदार सी लग रही है। और यकीन माने ये खाने में भी उतनी ही शानदार है। तो आपने देखा इस रेसिपी को बनाना कितना इजी था। तो इस रेसिपी को आप भी घर पे जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।